सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत परनामी रोड के निवासी एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव कोलकाता के एक होटल से बरामद किया गया है। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सुनीत बंसल और उनके पिता सुशील बंसल और मां चंदा देवी बंसल सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड में एक अपार्टमेंट में रहते थे। कोलकाता के एक होटल से इन तीनों के शव बरामद किए गए हैं। करीब 1.5 महीने पहले सुनीत बंसल अपनी पत्नी और 2 बच्चों व माता पिता के साथ कोलकाता गए थे। अपार्टमेंट के निवासियों ने बताया कि सुनील बंसल अपने बेटे के इलाज के लिए सभी को लेकर कोलकाता गए थे। आज घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस जब अपार्टमेंट पहुंची तो तीनों के शव बरामद होने की खबर सामने आई। इस घटना से अपार्टमेंट में मातम छा गया है। हालांकि मौत का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा कि सुनील बंसल ने बैंक से लिए गए लोन चुकता नहीं किया था, जिसके चलते बैंक के कुछ कर्मी उनकी तलाश में आए थे, लेकिन घर में कोई न होने की वजह से बैंक के कर्मचारी वापस चले गए। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की तरफ से मृतक के रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। তারা সব কলকাতাতে ছেলে ট্রিটমেন্টের জন্য গেছে, এটুকু জানি। কি হয়েছিল ছেলে? ছেলের একটু নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল ছেলে। অনেকদিন ধরে কলকাতায় ছিল? হ্যাঁ, মাস দেড়েক ধরে আর নাই এখানে। আচ্ছা, কেন আত্মহত্যা করলেন বা কি হলো, মানে কিছু আমি খুব সম্ভব জানি যে ব্যাংক লোন ফোন আছে একটু। হ্যাঁ, ব্যাংক লোন ফোনের ব্যাপারই আছে, আর অন্য কোনো কিছু নেই। কত বছর ধরে এখানে আছেন ওনারা? এখানে আমি তো 10 বছর ধরে, তার থেকে আগেই। Wallpapers done. अब फैंस? फैंस स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की।